अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष केसी घुमरिया ने उदयपुर के पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था का हवाला देते हुए पीडीपी और आदिवासी संगठनों की अवांछित गतिविधियों पर निगरानी के निर्देश देने की निंदा की है, जिससे संपूर्ण आदिवासी वर्ग में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। घुमरिया ने कहा कि सरकार को इस तरह के अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसपी उदयपुर ने आदिवासी संगठनों पर उपद्रव, उन्माद और भड़काने का आरोप लगाया है और संपूर्ण समाज में छवि धूमिल करने का काम किया है। उदयपुर ने 2 सितंबर को एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पत्र लिखा है, जिसमें उसने सभी वृत्त अधिकारियों और थाना अधिकारियों से बीटीपी और सभी आदिवासी संगठनों के बारे में सूचनाएं मांगी हैं और उसमें आरोप लगाया है कि ये लोग कुछ भी अवांछित अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से पूरा आदिवासी समाज, न केवल उदयपुर संभाग बल्कि पूरे राजस्थान के आदिवासी नाराज हैं और दुखी हैं कि सबको शंका की दृष्टि से एसपी महोदय ने देखने की कोशिश की। तो हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर एसपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है और उनसे आग्रह किया है कि इसकी जांच करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करें, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की मानसिकता प्रदर्शित न करे और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश